हे गाइस, मेरा नाम आयुष और आज मैं क्विक वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूँ इस अपकमिंग 2018 पल्सर 150 का। जी हाँ गाइस, मैंने आपसे एक प्रॉमिस करा था कि गाड़ी 2018 पल्सर एक नई आएगी, पर उसके अंदर जो है ABS आएगा, ये एक एक्सपेक्टेशन थी, पर ABS नहीं आया है। पर गाड़ी नहीं आ गई है शोरूम पे, कुछ टाइम में जो है ये गाड़ी मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। दिवाली के पहले होगी नहीं होगी ये कंफर्म नहीं है, पर मेरे पास में जो है एक ये वीडियो जो है मैंने इस गाड़ी का रिकॉर्ड कर लिया है, कहीं से मुझे जो है ये गाड़ी मिल गई और कम्प्लीटली एक एक डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो देख लीजिए, ये गाड़ी अगर आपको पसंद है नई नेक्स्ट जनरेशन 2018 पल्सर, तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप पहले जो अभी चले आ रही है पल्सर को, उसको आप ले सकते हैं। तो ये फ्रंट में डिस्क है, रियर में जो है आपको ड्रम ब्रेक इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो कुछ इंसर्ट्स जो है वो रेड कलर की जो है इस गाड़ी के अंदर यूज करी है बजाज ने, और काफी अच्छा स्पोर्टी लुक जो है इस गाड़ी को देखने को मिल रहा है। ये नॉर्मल क्लासिक एडिशन है, उससे ऊपर मुझे ये लग रहा है कि ये वेरियंट जो है प्लेस्ड होगा। उसके बाद में जो है डिस्क वाला नॉर्मल वेरियंट आ जाता है, जो कि आप देख ही रहे हैं, और जो उसके बाद में जो वेरिएंट आता है वो ट्विन डिस्क वाला आता है। तो जो टायर की प्रोफाइल वगैरह वो सेम है। यहाँ पे जो ग्रे ब्रेल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है आपको रेड कलर के अंदर देखने को मिलेगी। ये जो 150 का लोगो है ये 3D में जो अब आ गया है, पहले यहाँ पे इंसर्ट्स आपको देखने को मिलती थी, मतलब जो है नॉर्मल सा स्टिकर्स आपको देखने को मिलते थे। यहाँ पे भी जो है आपको एयरवेंट जो है यहाँ पे आपको रेड कलर की इंसर्ट्स देखने को मिलती है। व्हील पे भी जो है आपको थोड़े से जो है रेड कलर की स्टिकर्स इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर पल्सर की बैजिंग पूरी रेड कलर के अंदर दी गई है, और जो सीट है उसके अंदर भी जो है रेड कलर की स्टिचिंग्स दी गई है। तो गाड़ी देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुपर लग रही है। तो आप इस गाड़ी को पूरी तरीके से जो है आराम से इस गाड़ी को देख सकते हैं, मतलब ओवरऑल मैं इसका पूरा लुक देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये नाइट में मैं शूट कर रहा हूँ, लगभग अभी जो है 1 बज रही है, तो थोड़ा सा जो है आपको हो सकता है कि गाड़ी प्रॉपर अभी नहीं दिखे, पर कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 2-3 लोगों को खड़ा करा है जो कि लाइट लेके खड़े हुए हैं, और मैं आपको पूरी गाड़ी जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कम्प्लीटली जो है डायमेंशन मुझे सेम दिख रहे हैं गाड़ी के डायमेंशंस में कोई चेंजेस आपको भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो टायर साइज़ है वो भी वही है, जो लगभग ये 90-100 टायर है R17, और आगे 80-117 टायर है शायद इसके अंदर। तो कम्प्लीटली आपको वही चीज़ें देखने को मिल रही है, जो इंडिकेटर्स हैं, जो बैक लाइट है, सभी चीज़ें सेम। यहाँ पे जो टंकी जो है इसकी फ्यूल टैंक, वहाँ पे आपको जो स्टिकर देखने को मिल रहा है वो रेड कलर के अंदर ये जो देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले वाला जो है थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा सा जो है सॉफ्ट फील हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लुक देगा यहाँ पे गाड़ी को। देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे पूरी नई डिजाइन की गई है। साइड में जो है आपको ऐसा लग रहा है कि जो कार्बन फाइबर की जो है थोड़ा सा अपील देने की कोशिश की गई है। तो ऑरेंज कलर की जो है इंसर्ट्स आपको देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बोला क्लासिक एडिशन है। जो ट्विन डिस्क आती है उसमें ब्लू कलर का आपको देखने को मिल जाता है, पर ये जो डायल है ये पूरा चेंज हो गया है, व्हाइट कलर में आ रहा है, और ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके आसपास जो आपको ये कार्बन फाइबर सराउंड्स देखने को मिल रही है वो काफी अच्छी लग रही है। स्विचेस जो है वो कंप्लीटली सेम है, गाड़ी के स्विचेस में जो है कंपनी ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। जो हैंडल है वो भी पूरा सेम है। यहाँ पे ये जो नई गाड़ी है तो इसकी जो है टेस्ट ड्राइव वगैरह नहीं हो सकती, अभी क्लच वगैरह सब कुछ लॉक है, पूरी कम्प्लीटली पैक है ये गाड़ी। मैंने अभी इस गाड़ी को थोड़ा सा खुलवाया है ताकि मैं वीडियो शूट करके आप लोगों को जो है बता सकूं कि गाड़ी आ गई है, जैसा कि कंफर्मेशन न्यूज़ मेरे पास में थी कि एक नया एक वेरियंट तो दिवाली से पहले जो है गाड़ी का आ ही जाएगा। तो ये देख लीजिए आप पल्सर, जो इसका इंजन है वो ग्रेनिश कलर के अंदर जो है फिनिश में दिया हुआ है, ना डार्क ग्रे है ना ब्लैक आउट फिनिश के अंदर है। स्मोक्ड आउट फिनिश में जो है हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो हेडलैम्प है वो नॉर्मल है, पर अभी जो है बैटरी इसमें लगाई है, पर चालू होगी AH हो तो ही चालू होगी। तो पास लाइट से जो है मैं आपको चालू करके बता देता हूँ, एक मिनट आप रुक जाइए। जैसे कि मैंने जो है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हेडलाइट जो है किस हिसाब से जो है दिख रही है, तो इस टाइप से जो है आपको हेडलाइट दिखेगी। नॉर्मल वही हेलोजन बल्ब्स है, जो आपको इवनिंग लैंप्स है वो भी वैसे ही दिख रहे हैं, इंडिकेटर्स है वो भी आपको सेम वैसे ही दिख रहे हैं। देख लेते हैं एक बार अपन पीछे की, कि पीछे की लाइट जो है कैसी दिख रही है। तो आ जाते हैं पीछे की साइड, यहाँ पे जो है रियर लाइट जो है सेम वैसी दिख रही है। एक बार ब्रेक लगवा के मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये ब्रेक लगा के अगर देख रहे हैं तो ये कम्प्लीटली गाड़ी जो है देखने में अच्छी लग रही है, वही सेम लुक है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिकेटर एक बार अपन देख लेते हैं, तो
तो हाँ, ये इंडिकेटर जो है वो भी पीछे के सेम है, इंडिकेटर्स में भी आपको कोई डिफरेंस जो है देखने को नहीं मिलता है। तो ये कम्प्लीटली जो है गाड़ी का लुक है। सस्पेंशन वही सेम है, नाइट्रॉक्स सस्पेंशन जो है यहाँ पे गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। गाइस बात करूँ अगर स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको वही सिंगल सिलेंडर, एयर कूल्ड, 4 स्ट्रोक, 2 वेल, ट्विन स्पार्क, BS4 कंप्लाइंट, DTS I इंजन जो है देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 14 BHP की पावर 8000 RPM पे और 13.4 Nm का टॉर्क 6000 RPM पे। जो ब्रेकिंग है वो सेम है, 240 mm का डिस्क फ्रंट में, और रियर में जो है 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। जो टायर साइज है वो मैंने आपको बता दिए, फ्रंट में आपको जो है 1800 17 ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे और रियर में जो है आपको 17 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। फ्यूल टैंक भी वही 15 लीटर का आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी की डायमेंशंस की बात करूँ तो सेम रहेगी, 2055 mm की लेंथ, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, हाइट जो है 1060 mm की रहेगी, विड्थ जो है 755 mm की रहेगी, व्हील बेस 1320 mm का है और कर्ब वेट अप्रॉक्स 144 kg का है। तो गाइस ये चीज़ जो है कर्ब वेट है वो थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो सकता है इस गाड़ी का। एक्चुअली जो है राइट फिगर तो 144 ही आई थिंक, तो अभी जो है मैं यहाँ पे शूट करते करते बता रहा हूँ, तो अगर कुछ एक दो डिजिट ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ जो है नीचे कमेंट में थोड़ा सा वो मत करना। सो गाइस ये गाड़ी मैंने आपको पूरी कंप्लीटली दिखा दी है। पे जो है हेडलाइट पे आपको थोड़ा सा ये जो रेड इंस्टर्ड से देखने को मिलेंगे, ये पता चल जाएगा कि जो नई गाड़ी है। और रियलिटी में ये गाड़ी जो है सिंपल सोबर पूरी ब्लैकआउट डिजाइन के ऊपर बनी हुई है और रेड कलर की जो है इसके ऊपर अपीलिंग दी है, तो देखने में ये चीज जो है काफी अच्छी और अट्रैक्टिव लग रही है। तो आपको ये कैसी लगी गाड़ी मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सबको पता चल जाए इस नई 2018 अपकमिंग पल्सर के बारे में। और गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज मिल जाए और कोई भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अपडेट्स जो है आप मिस नहीं कर पाए। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। वीडियो बनाने में तो टाइम लग जाता है, इंस्टाग्राम पे हाथों हाथ अपडेट्स जो है कर देता हूँ। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।